जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और जैसा कि मैं हर सप्ते आपके लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ, तो ये जुलाई फर्स्ट वीक का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो इस करंट अफेयर्स को देखना ना भूलें। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है रोहित कुमार बीयू के नाम से। मैं फॉलो इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे जो भी वीडियो डालता हूँ उसको अपडेट करता हूँ। अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो तो आप रोहिलॉजी को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और अपने अपडेट्स के लिए आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रिसेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए मैं लेकर आता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आंसर ऑफ द प्रीवियस वीक की। देखिए, प्रीवियस वीक में मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था और सिंपल था कि बायोड्रम क्या है। तो सिंपली बायोड्रम एक बायोफिल्टर होता है, जिसको बहुत अच्छा से आंसर किया था गौरव आरव ने। इसको पूरा एक्सप्लेन किया था, लंबा एक्सप्लेन किया था और बहुत ही शानदार आंसर रहा गौरव आरव का। चलिए बात करते हैं इस वीक के पहले क्वेश्चन की। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि किसी स्टेट ने, वो कौन सा स्टेट है वो आपको बताना है, इसीलिए मैं स्टेट नहीं बता रहा। वो कौन सा स्टेट है जिसने क्लो, जिसको लॉन्ग बोलते हैं, देखिए इस तरह से होता है, क्लो ऑफ थाईलैंड इसका नाम है, इसके लिए जीआई टैग लेने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाला है रिसेंटली। तो आपको यह बताना है कि यह कौन से स्टेट में होता है और सबसे ज्यादा होता है क्लो ऑफ थाईलैंड। यह होता है केरला में, यह आपको याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन डाली गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ई रकम जो पोर्टल है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं ए बी सी डी करके, आपको सारे स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ने हैं और उसमें से आपको यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस ई रकम पोर्टल के लिए लाई करता है। अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंजिंग करेंसीज, क्या यह हो सकता है। अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्या यह हो सकता है। अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पेइंग टैक्सेस, क्या यह हो सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यह आपको ध्यान में रख के क्वेश्चन आंसर करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है ई नाम और ई रकम में। चलिए आगे बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है क्योंकि थोड़ा सा कॉमर्शियल क्वेश्चन भी है। आपको ये बताना है कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर सेक्टर बोले तो इस तरह के सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट देखे जाते हैं। सिचुएशनल, वॉलेंट्री, डिस्गाइज, फ्रिक्शनल, इतने तरह के होते हैं। सिचुएशनल होते हैं कि मतलब सिचुएशन बेस्ड, अभी अगर उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो बेरोजगार हैं, अगर उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। उसके बाद वॉलेंट्री है, जो खुद से बैठे रहते हैं। तो किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये है डिस्गाइज। देखिए, डिस्गाइज कहने का मतलब क्या है कि हम कन्फ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, मतलब कि हम एम्प्लॉयड हैं, मगर आप एक्चुअल में एम्प्लॉयड नहीं हो। वो कैसे कि सपोज किसी का इतना लैंड है और उसमें दो ही आदमी की जरूरत है, इसमें दो ही आदमी काम कर सकते हैं, मगर फैमिली मेंबर छः हैं और छः के छः मेंबर इसमें काम कर रहे हैं, तो इनकम जनरेशन जो हो रहा है वो दो आदमी के बराबर ही हो रहा है, मगर चार आदमी इसमें और एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हैं, तो मगर इनको क्या लग रहा है कि हम भी कमा रहे हैं क्योंकि हम भी खेत में काम कर रहे हैं, मगर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये चार आदमी जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, मगर इनको ऐसा लग रहा है कि ये एम्प्लॉयड हैं, तो ये है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप एम्प्लॉयड हैं मगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो ये है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपको जानना बहुत जरूरी था। रिसेंटली IISER ने अपना फाउंडेशन डे मनाया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना ये है कि IISER, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च,
कहां पे सिचुएटेड है ये आपको बताना है। ये 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। आईसीआर क्या है, तो ये है केरला में, केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट, कोझिकोड में है, मतलब कालीकट में है। ये 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि इंडिया में कितने परसेंट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने इसको थोड़ा सा क्लियर किया है और बताया है कि जितने भी मेरे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए मैं अच्छा स्कीम ला रहा हूं और उन पे काम किए जा रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने परसेंट फार्मर्स हैं इंडिया में जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में आते हैं। तो ये है 86% बी, 86%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। देखिए अभी खरीफ सीजन चल रहा है, तो जनरली हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा खरीफ क्रॉप है, कौन सा रबी क्रॉप है। एक्चुअली राइस और पैडी और वीट, ये सब को लेकर, वीट बार्ली को लेकर तो हम लोग क्लियर रहते हैं, मगर कुछ कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको बतानी है कि इनमें से कौन सा ऐसा क्रॉप है जो खरीफ है मगर रबी नॉट अ खरीफ क्रॉप। सारे खरीफ हैं और इनमें से कौन सा ऐसा क्रॉप है जो खरीफ नहीं है। तो देखिए जूट एंड मेस्टा खरीफ क्रॉप है, कॉटन खरीफ है, सुगर केन खरीफ है, लिनसीड जो है, लिनसीड, रैपसीड, मस्टर्ड, ये सब जो है ये रबी क्रॉप्स हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर इज अ प्रपोजल टू अडॉप्ट क्लस्टर अप्रोच फॉर हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस थ्रू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक क्लस्टर अप्रोच किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया है, इस पर काम भी किया जा रहा है। इसमें अलॉटमेंट कितने हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना टोटल बजट इसके लिए रखा है, ये आपको बताना है। एज टू गिव अ फ्लिप टू वैल्यू एडिशन मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट, दिस इज अ सेंट्रल स्कीम हुज टोटल बजट इज कितना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप थोड़ा सा इम्फेसिस दे सकते हैं। तो ये टोटल बजट इसको दिया गया है 6865 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब फाइनली पहुंचते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है, द लार्जेस्ट एरिया अंडर हाइब्रिड राइस इन द वर्ल्ड इज इन, मतलब कौन से कंट्री में हाइब्रिड राइस सबसे ज्यादा लगाया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए हाइब्रिड राइस का कंजम्पशन भी है और ज्यादा इसका ग्रोइंग भी होता है, तो ये सबसे ज़्यादा लगाया जाता है चाइना में। हम लोग इंडिजिनस राइस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो सबसे ज़्यादा लगाया जाता है चाइना में हाइब्रिड राइस। तो ये था जुलाई फर्स्ट वीक का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब पहुँच गए हम लोग क्वेश्चन ऑफ द वीक की तरफ, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द वीक की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रिसेंटली झारखंड के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, अब वो है वेदर फोरकास्ट ऐप। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झारखंड के जितने 4400 पंचायत हैं उनको इससे बेनिफिट मिलने वाला है, उन सब फार्मर्स को इससे बेनिफिट मिलने वाला है। बस आपको ये बताना है कि प्ले स्टोर पे ये जो ऐप अवेलेबल है किस नाम से अवेलेबल है, मतलब इस ऐप का नाम क्या है और किसके कोलैबोरेशन से ये बना है, कौन कौन मिलकर इसको बनाए हैं। दो आंसर होंगे, सबसे पहले है इस ऐप का नाम क्या है, दूसरा आंसर होगा कि ये किस किस के कोलैबोरेशन में बना है। BIU तो एक है ही, उसके बाद इसके साथ कौन कौन है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और किसी भी झारखंड का अगर स्पेशल एग्जाम कोई हो तो उसमें पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स में इसकी डिटेल या इसके बारे में एक आर्टिकल आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था, तो आपको ये बताना है। तो ये था इस हफ्ता का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।